हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कॉरपोरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर राजस्थान में दोस्तों एक नई भर्ती निकली है। आज हम इस भर्ती के बारे में बात करेंगे, कब से इस भर्ती के फार्म स्टार्ट होंगे, एडवर्टाइज नंबर 2021 रहेगी दोस्तों। इस भर्ती के फार्म भरने 29 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इस भर्ती के फार्म की लास्ट डेट 26 फरवरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। फीस के बारे में जान लेते हैं, कितनी फीस रहेगी। जनरल BC MBC की 1200 रुपये फीस रहेगी, ठीक है दोस्तों। SC ST BC WS MBC की 600 रुपये फीस रहेगी। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी है। टोटल पोस्ट कितनी रहेंगी, 503 टोटल पोस्ट रहेंगी। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 1/7/2021 के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपकी 4 पोस्ट रहेंगी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 10 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, 27 पोस्ट रहेंगी, टोटल डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, 96 पोस्ट रहेंगी, डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 पोस्ट रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद असिस्टेंट डायरी केमिस्ट की 10 पोस्ट रहेंगी, MSc इन केमिस्ट्री होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बॉयलर ऑपरेटर की 31 पोस्ट रहेंगी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। बॉयलर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जूनियर इंजीनियर की 1 पोस्ट रहेगी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की आपके पास 46 पोस्ट रहेंगी, BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेयरी टेक्नीशियन की 31 पोस्ट रहेंगी, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन मैकेनिकल। इलेक्ट्रिशियन की 23 पोस्ट रहेंगी, ITI होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की 48 पोस्ट रहेंगी, कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लांट ऑपरेटर की 73 पोस्ट रहेंगी, ITI किसी भी ट्रेड से कर रखी हो आपने। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर की 7 पोस्ट रहेंगी, आपको 12th में साइंस होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर की 20 पोस्ट रहेंगी, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रेफ्रिजरेशन का, ठीक है दोस्तों। फिटर की 15 पोस्ट रहेंगी, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI का फिटर ट्रेड के साथ। वेल्डर की आपकी 6 पोस्ट रहेंगी, ITI का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से। हेल्पर डायरी वर्कर की 27 पोस्ट रहेंगी, 8th पास आपके पास होना चाहिए, 8th की मार्कशीट। डेयरी सुपरवाइजर की 13 पोस्ट रहेंगी और विलेज एक्सटेंशन की 20 पोस्ट रहेंगी, आपको 12th पास होना चाहिए और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हैज ए सेक्रेटरी, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां जाके आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई दी है, 503 आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी, ये देखिए, और 26 फरवरी इस फार्म की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MD हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।